समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा कल पहुंचेगी फैजाबाद, जिसकी तैयारियों को लेकर आज सपा सांसद अक्षय यादव ने प्रेस वार्ता कर साइकिल यात्रा की जानकारी दी, जिसमें जानकारी देते हुए कहा कि ये साइकिल यात्रा 27 अगस्त को गाजीपुर से शुरू होकर 23 सितंबर को जंतर मंतर पर पहुंचकर समाप्त होगी, जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होकर गुजरेगी। साथ ही प्रत्येक जनपद में रात्रि में रुकने की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते कल फैजाबाद 14 सितंबर को ये यात्रा पहुंचेगी, जिसमें 14 तारीख का रात्रि विश्राम फैजाबाद में रहेगा, जिसकी रुकने की सारी व्यवस्था शहर के सपा कार्यकर्ता व जिला अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, जिसमें फैजाबाद की जनता को जागरूक करने का कार्य जिसके तहत भाजपा के कार्यालय में हो रही जनता की परेशानी को लेकर जागरूक करने का कार्य करेगी। वही सपा शासन काल में हुए कार्यों से अवगत कराएगी। माना ये भी जा रहा है कि सपा का मिशन 2019 को लेकर है। गाजीपुर से जंतर मंतर दिल्ली तक न्यायिक साइकिल यात्रा चालू करी गई है, जो फैजाबाद में कल 14 तारीख को आ जाएगी, जिसको हम लोग साइकिल चलाएंगे, साथ में लेकर आएंगे उनको। रात में ACMT कॉलेज में उनका विश्राम करवाएंगे, फिर सुबह 15 तारीख को चलेगी और 15 तारीख की रात को सत्कार होटल में उनको रुकवाएंगे, उसके बाद उन्हें आगरा के लिए रवाना करेंगे। इसको हम लोग नगरों के बीच में से और शहर के बीच में से लेकर जाएंगे और जनता तक, जो समाजवादी पार्टी ने विकास के काम करा और किस तरह से सरकार ने उन कामों को दबाने का काम करा और आरक्षक तत्व जिस तरह से हावी होते जा रहे हैं, उन सबकी हम लोग चर्चा करेंगे, लोगों को बता पाएंगे प्रचार प्रसार।